एक दफा फिर सियासत के उफक पे एक ऐसी सियासी जमात शाहीन की परवाज के साथ पाकिस्तान के सियासी उफक और मंजरनामे पे शाहीन की साफ के साथ एक सियासी मैदान और सियासी महाज पे आपके जनूबी पंजाब के फर्जंद की क्यादत में, जहांगीर तरीन साहब की क्यादत में आगे बढ़ने जा रही है और उस बुलंद परवाज और बुलंद अमल और बुलंद साफ के निशान के साथ शाहीन के साथ हम सियासत के जो तौर तरीके हैं, जो सियासत के साथ जुड़ी वजादारी रख रखाव और रवायात पिछली कुछ दहाइयों से दफन हो गई थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपके उस जनूबी पंजाब के फर्जंद की क्यादत में उनको ज़िंदा करने जा रही है। और जहां आप जनूबी पंजाब के उस फर्जंद को सुल्ताने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सिर्फ वो क्रिकेट के सुल्तान ही नहीं, हम उन्हें सियासत के सुल्तान के तौर पे भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। जहां आपने देखा कि मुल्तान का जो सियासी और सकाफती विरसा जो था, जनूबी पंजाब के जो हमारी इस धरती के अंदर से जन्म लेने वाले मुख्तलिफ लीडरान थे, उन्होंने आपको जिस सियासी महरूमी से छुटकारा दिलाने के लिए हमेशा आपसे मैंडेट लिया, आपकी नाइंसाफियों और आपकी नाउम्मीदियों को उम्मीद में बदलने के लिए उन्होंने जिस तरह आपको खोखले नारों में कैदी किया, सब्ज बाग दिखाए और अपने मफादात हासिल करके आप लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, आज जनूबी पंजाब से और वस्ती पंजाब से, क्योंकि जनूबी पंजाब से आपका जो दिमाग और वस्ती पंजाब लाहौर से दिल मिल के सियासत को एक नई जहद, एक नई तवानाई और एक नया रोड मैप देने जा रहे हैं। कल 28 अक्टूबर को जहानिया स्टेडियम में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो होने जा रहा है। इस पावर शो के अंदर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इससे पहले नेट प्रैक्टिस से जो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ गेन की, उसका भरपूर हम इजहार करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो जनूबी पंजाब के रहायशियों का एहसास महरूमी, वो आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और आपके हकूक़ का जो कत्ले आम है, उसके आगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दीवार बन के, चट्टान बन के खड़ा होने जा रही है। और इस कमिटमेंट के साथ कि जो आपका रोल और आपकी हैसियत, आपका वकार और आपकी शनाख्त है, उसके मुताबिक आपको आपका हक नहीं मिला। और वो एहसास जो जनूबी पंजाब के अंदर एहसास महरूमी की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन जख्मों पे मरहम रखने जा रहे हैं। और हम ये इस कमिटमेंट के साथ उस सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नाम पे लिए जाने वाले कर्जे हैं, उन कर्जों को सिर्फ उन मंसूबों के साथ जोड़ के, वो तख्ते लाहौर हो, वो आपके दीगर बड़े शहर हों, उनके ऊपर वो मैक्रो प्रोजेक्ट जो दिखाई दें, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो हमारे जनूबी पंजाब के बच्चे भी वो कर्ज़े वापस करने में टैक्स पेयर के पैसे हों, या आपके बच्चों के ऊपर वो बोझ जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ मखसूस जगहों पे और मकरूज जो है वो पूरा पाकिस्तान,
वो रहीम यार खान का बच्चा हो, वो बहावल नगर का हो, वो बहावलपुर का हो, मुल्तान हो, डीजी खान का हो, गर्ज के जनूबी पंजाब की तीन डिवीजन में कहीं पे भी बस रहा हो, वो भी उतना ही मकरूज है जितना सेंट्रल पंजाब या तरक्की याफ्ता शहरों का बच्चा मकरूज है। तो हमारी आने वाली नस्ल का जो कर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ ये एहसास महरूमी उनका मुकद्दर नहीं है। एक दरख्शां रोशन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान उनका मुंतजिर है और आने वाली नस्ल को इंशाल्लाह हम ये पैगाम देने आए हैं कि हमने एक जदोजहद की। हम सब उन मरूसी सियासत के मुतासरीन थे, हम नस्ल दर नस्ल गुलामी के तोक जो है उनको तोड़ना चाहते थे, हम जो है वो गले सड़े पाकिस्तान से एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुरअज़म थे और हमने उसके लिए एक ऐसी जमात का चुनाव किया था कि जो बारियां लगाने वाली जमातों को चैलेंज करने आई थी और हम सब उन जमातों के मुतासरीन उस जमात के साथ खड़े हो के इस मुल्क और इस खित्ते को बदलने के लिए मैदान में निकले थे। लेकिन बदकिस्मती से ना आपके हकूक का तहफ्फुज़ हो सका, ना पाकिस्तान की दीगर जो हमारे रूल ऑफ लॉ मेरिट और पाकिस्तान को बदलने की ख्वाहिश थी हम उसको ना बदल सके। नया पाकिस्तान का नारा जो था वो 9 मई को आपकी कौमी तनसीबात, शोहदा की बेहरमती, कौमी सलामती के अदारों पे चढ़ाई, GHQ पे हमले, वो वहाँ जा के नया पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को दफन कर लिया।